दोस्तों, इंडिया में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कोविड के बाद सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सर्जिकल डिवाइसेस में बहुत बूम आ गए। तो इसमें से बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स बढ़ गए। जैसे सैनिटाइजर थे, जैसे मास्क थे, उसी तरीके से ग्लोव्स, ये एक रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गए। बिकॉज कोविड के बाद बहुत लोगों ने पर्सनली भी यूज करना स्टार्ट कर लिया ग्लोव्स। हॉस्पिटल में से रिक्वायरमेंट बहुत बूम पे थी, बिकॉज कंटेमिनेशन प्रिवेंट करने का सबसे मेजर रोल ग्लोव्स का होता है। तो ये ग्लोव्स कितने टाइप के, और ग्लोव्स अगर आप करना चाहते मैन्युफैक्चरिंग, स्टार्ट करना चाहते बिजनेस, तो उसके लिए आप के पास कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन रहने चाहिए, इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस क्या है, और इसके रॉ मटेरियल कितना लगता है, ये सारी हम, और इसके इक्विपमेंट्स क्या लगते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो आज हम बात करेंगे क्लोथ्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आइडियाज के बारे में। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल थिंग्स बाय अमित में हार्दिक स्वागत। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के, हेल्थ केयर इंडस्ट्री के रिलेटेड वीडियोज बनाता हूं, जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के होते हैं, करियर अपॉर्चुनिटीज के होते हैं। तो अगर आप फार्मा इंडस्ट्रीज हैं तो आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको इस तरीके से वीडियो पसंद है तो। और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मेरी सारी वीडियोज, सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहता है ग्लोव्स, ग्लोव्स का ये बॉक्स है। यहां पे आपने देखा होगा कि ये एग्जामिनेशन ग्लोव्स है, ठीक है, एक रबर एग्जामिनेशन स्टराइल ग्लोव्स पाउडर फॉर्म। यहाँ पे और बहुत सारे फॉर्म आते हैं, तो वो क्या है ये पहले देखते। पहला आता है सर्जिकल ग्लोव्स लैटेक्स स्टराइल, इसके बाद सर्जिकल ग्लोव्स लैटेक्स नॉन स्टराइल, फिर एग्जामिनेशन ग्लोव्स नाइट्राइल जो ब्लू कलर के होते हैं, एग्जामिनेशन ग्लोव्स लैटेक्स जो व्हाइट कलर के, जनरली मोस्टली यही यूज किए जाते हैं। तो इसमें बहुत सारी साइज आती है, लाइक एक्सेस से लेकर एक्सएस, स्मॉल, मीडियम, लार्ज एंड एक्स्ट्रा लार्ज। और इसकी डायमेंशन क्या रहती है, इसके बारे में बात करते हैं कि एक्स्ट्रा स्मॉल की साइज आती है 70 mm प्लस माइनस 10 mm, स्मॉल का रहता है 80 mm प्लस माइनस 10, मीडियम 95 प्लस माइनस 10, देन लार्ज 110 mm प्लस माइनस 10, एक्स्ट्रा लार्ज 120 mm प्लस माइनस 10 mm। तो ये एक जनरल आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए साइज मैंने बताई। अब बात करते हैं कि ये अगर बिजनेस करना है तो इसकी ग्रोथ कैसे, मतलब मार्केट कैसे। देखिए, ये जो ग्लोव्स है ना, वो कहाँ कहाँ पे लगते हैं। एक तो फूड इंडस्ट्री में लगते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में लगते हैं, केमिकल इंडस्ट्री में लगते हैं, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में लगते हैं, एंड ऑफकोर्स मेडिकल इंडस्ट्री में, वेरियस हॉस्पिटल्स एंड फार्मेसीज में लगते हैं। लगभग 300 करोड़ का ऑल ओवर बिजनेस है इंडिया में, इसका मार्केट बता रहा हूँ। तो इससे और आगे बढ़ रहा है अभी, तो इसके लिए इसकी डिमांड भी बढ़ रही है साइमल्टेनियस। अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं। अब देखिए, डॉक्यूमेंट जो रहते हैं ना, तो पहले तो ट्रेड लाइसेंस लगेगा, उसके बाद ट्रेड लाइसेंस के जो लोकल अथॉरिटी है वो आपको दे देगी, उसके बाद आपकी कंपनी रजिस्टर होनी चाहिए प्राइवेट लिमिटेड, या फिर LLP होगी तो भी चलेगा, लेकिन रजिस्टर होनी चाहिए। इसके बाद GST नंबर आपको लगेगा, फिर उद्योग आधार, ये नंबर अलग से आपको जनरेट करना पड़ेगा। तो ये एक नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स है। इसके बाद आपका जो प्रोडक्ट है, ये ट्रेडमार्क रजिस्टर होना ही चाहिए, क्योंकि इसकी कॉपीराइट नहीं चलेगी। अगर इसमें क्या होता है कि ये एक तो आप लोकल लेवल में यूज कर सकते, डोमेस्टिक लेवल पे, या स्टेट वाइज, या एक्सपोर्ट भी कर सकते। अब मैं आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, मतलब किस तरीके से आप इसको बेच सकते, इसके बारे में और भी बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं बताता हूं कि इसके लिए मशीनरीज कौन कौन सी लगती है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी। तो मशीनरीज में पहला आता है बॉल मिल विथ पोर्सिलिन पॉट्स विथ 3 HP मोटर, फिर डिमोनाइजिंग टैंक ऑफ 100 लीटर, फिर सेंट्रीफ्यूज लगेगी, फिर कंपाउंडिंग टैंक ऑफ 100 लीटर कैपेसिटी, देन हॉट एयर ओवन विथ थर्मोस्टेट कंट्रोल, फिर फॉर्मर्स लगेंगे ग्लोव्स के लिए, फिर वेइंग स्केल, और फिर पैकिंग मशीन। अब बात करते हैं इसके, इसमें रॉ मटेरियल क्या लगता है। रॉ मटेरियल आपको लगेगा लैटेक्स 60%, DRC, पोटेशियम हाइड्रोक्लोराइड, फिर चाइना क्ले, फिर सल्फर, फिर 2DC, फिर जिंक ऑक्साइड, वल्केनॉक्स, इसके बाद वेजिटेबल ऑयल, फिर डिस्पर्सिंग एजेंट, फिर फॉर्मिक एसिड, फिर टाल्क, टिटेनियम डाइऑक्साइड, स्टेबिलाइजर। इसमें पॉलीमर यूज किए जाते हैं, ये पॉलीमर होता है पॉलीविनिल क्लोराइड या नियोप्रीन का, और इसमें जो पाउडर रहती है ना, वो कॉर्न स्टार्च की पाउडर होती है, बिकॉज लुब्रिकेशन मेंटेन करने के लिए ये जरूरी है। अब जानते हैं एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस की, स्टेप बाय स्टेप जानते हैं, मतलब मैं आपको फ्लो चार्ट बताऊंगा क्या क्या रहता है। हार्वेस्टिंग द लैटेक्स, देन कलेक्शन ऑफ लैटेक्स,
देन कलेक्शन काउंटर्स, देन क्यूसी डिपार्टमेंट में चेक किया जाता है, देन प्री सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन, इसके बाद कंपाउंडिंग, फिर डीपिंग एंड कोएगुलेशन, देन प्री वल्कनाइजेशन, देन वल्कनाइजेशन, इसके बाद लीचिंग किया जाता है, फिर स्ट्रिपिंग, देन पोस्ट वल्कनाइजेशन लीचिंग, देन लुब्रिकेशन, देन क्लोरिनेशन, देन फाइनल इंस्पेक्शन एंड देन पैकिंग। इसके दौरान इसमें बहुत सारे टेस्टिंग भी की जाती है, मतलब एयर टेस्टिंग की जाती है, उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में इसकी लीकेज चेक की जाती है, उसके बाद ये ड्राई किया जाता है और उसके बाद ये वे करने के बाद फिर कैप पैकिंग किया जाता है। तो ये एक तो बॉक्स में होते हैं या फिर सिंगल सिंगल पैक में भी अवेलेबल रहते हैं, मतलब पेयर में भी ये अवेलेबल रहते हैं। अब ये आप तो मैन्युफैक्चरिंग ये कर देंगे, लेकिन इसकी मार्केटिंग करनी बहुत जरूरी है, बिकॉज क्या है कि यहाँ पे बहुत कंपटीशन है। अब बहुत सारी कंपनीज इसमें उतर चुकी है और ये मैन्युफैक्चर कर रही है, तो आप इसमें सक्सेसफुल किस तरीके से बन पाएंगे? पहले तो आपको ब्रांड बनाना पड़ेगा, इसके लिए आपके ब्रांड का नाम या कंपनी का नाम ऐसे कुछ यूनिक होना चाहिए। साथ में ये ब्रांड बनाने के लिए आपको एडवर्टाइजिंग तो करनी पड़ेगी, लोकल लेवल पे, डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे पहले इस कंपनीज करती है और वो हॉस्पिटल में सप्लाई करते हैं। लेकिन क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर अगर आपने सेल छोड़ दिया तो वो वही ग्लोव्स या कोई भी इक्विपमेंट बेचेगा जिसमें ज़्यादा मार्जिन रहता है। इसके लिए आपको इफेक्टिव रेट भी देने जरूरी है। रेट अच्छा देंगे, क्वालिटी मेंटेन करेंगे, एडवर्टाइजिंग करेंगे और साथ में आपकी खुद की एक मार्केटिंग टीम रहेगी जो हॉस्पिटल्स में विजिट करेगी या फिर जो भी हॉस्पिटल्स ही आपके यहाँ पे कस्टमर नहीं है। जैसे मैंने बताया कि इंडस्ट्रियल, ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो गई, केमिकल इंडस्ट्री, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ढेर सारी इंडस्ट्रीज है, वहाँ पे आप डायरेक्टली परचेस डिपार्टमेंट के साथ कॉन्टैक्ट्स करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको ऑर्डर मिल सकती है। और साथ में क्या है कि ऑनलाइन B2B जो सेल होता है, ट्रेड इंडिया, इंडिया मार्ट, यहाँ पे बहुत सारी रिक्वायरमेंट आती है इन चीज़ों की। इसके इसमें आप प्रेजेंस रखिए, यहाँ से सेल हो जाएगा या ऑनलाइन भी ई कॉमर्स साइट पे आप बेच सकते हैं। तो कैसा लगा ये बिजनेस आइडिया ये मुझे बताइए, मुझे रिक्वेस्ट भी आ गई थी इसके रिगार्डिंग, बिकॉज ये बिजनेस बूमिंग पे। इससे पहले मैंने जो सीरीज मैन्युफैक्चरिंग का बताया था वो भी बिजनेस बूमिंग पे। तो COVID-19 में बहुत सारे हेल्थ केयर सेक्टर के बिजनेस अच्छी तरीके से ग्रो हो रहे। तो अगर आपको इसके बारे में और भी कोई बिजनेस के बारे में आइडिया चाहिए तो मुझे कॉमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर हमारे हेल्थ केयर फार्मा रिलेटेड ब्लॉग्स आप पढ़ना चाहते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे नए टॉपिक्स पे ब्लॉग होते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दिए। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से मदद करेगा आपको बिजनेस ग्रो करने के लिए। वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और ढेर सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।